गाइस वेलकम टू उदयपुर। आज भैया सेलिब्रिटी बन गए। और तू ही मेरे दिल की रज़ा है। ओके भाई लोग सी यू। Yeah, these three things are very important in our life. Number one, amazing stay with an amazing vibe. Number two, delicious food. Number three, a lot of travel. With this thought, I started my journey from Gurgaon to Udaipur. उदयपुर पहुंचते ही मेरे को दानिश भाई मिल जाते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में हम लोग उदयपुर की गलियों से होते हुए पहुंच जाते हैं मस्टेस की न्यू प्रॉपर्टी वरांडा में। सो गाइस लगभग 13 घंटे लगे मेरे को यहाँ पहुंचने में। ये मैं सेकंड टाइम स्लीपर बस में सफर कर रहा हूँ। इससे पहले मैं वियतनाम में जब था ना, जब मैंने वहाँ से होची मिन सिटी से नैतरंग गई थी, तब मैं ओवरनाइट बस में गए थे, वो भी स्लीपर बस थी, काइंड ऑफ सिमिलर थी, थोड़ा सा डिले हुआ बट ठीक था। बट गुड टू गो है, अगर आप आते हो उदयपुर तो इट्स बेस्ट ऑप्शन, ओवरनाइट यहाँ पहुँच जाओ। और हम लोग फिलहाल पहुँच गए हैं प्रॉपर्टी में। थैंक यू भैया, इसमें भी ब्रांडिंग करी हुई है, मस्त। तो भाई लोग ये हैं दानिश भाई, इन्होंने मेरे को पिकअप किया था और अगले 2-3 दिन तक हमारे साथ रहने वाले हैं, यही घुमाने वाले हैं पूरा उदयपुर। और भैया आपका नाम क्या है? सागर। सागर भाई, और थैंक्स भाई, आपका नाम? रवि। रवि भाई ने बढ़िया सा कोकोनट वाटर मिलाया है, पिलाया है, मज़ा आ गया। चलो भाई ये देख लेते हैं अपना रूम। तो भाई लोग आज के लिए रैन बसेरा तो यही है फिलहाल कुछ 2-3 दिनों के लिए। सबसे बेस्ट पार्ट बालकनी का, बालकनी देखते हैं पहले। अरे भाई साहब लेक व्यू, प्राइवेट बालकनी, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। भाई वॉशरूम भी देख लेते, वॉशरूम कैसा है भाई? सही, नाइस। सो हालत थोड़ी पतली हो गई बिकॉज 13 घंटे से ट्रैवल कर रहा हूँ बस में। अभी थोड़ा फ्रेशन अप हो जाता हूँ, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। अब तो ब्रंच का ही टाइम हो गया बाय द वे। आप में से बहुत सारे लोगों ने सही पोल किया था, मैंने इंस्टाग्राम में पोल डाला था कहाँ जा रहा हूँ करके, कितने 61% लोगों ने शायद उदयपुर ही बोला था और बिल्कुल सही गेस किया। तो फिलहाल मैं आया हूँ उदयपुर में, यहाँ पे मस्टेस की प्रॉपर्टी खुली है नई, तो यहाँ पे गेट टुगेदर है, ब्लॉगर्स मीट है, सारे लोग आएंगे, मिलेंगे नए ब्लॉगर्स से और घूमेंगे पूरा, आपको अमेजिंग कॉन्टेंट देखने को मिलने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे लंच के लिए और हम ऑर्डर कर रहे हैं। क्या ऑर्डर किया हमने बाय द वे करीना? वी हैव ऑर्डर्ड एशियन बोन गार्लिक सूप, देन वी हैव ऑर्डर्ड सैलड, एपेटाइजर, मतलब कुछ अंग्रेजी टाइप का ऑर्डर किया, मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो और अंग्रेजी और प्लस सामने देखो खाना खाते खाते व्यू है यहाँ पे अमेजिंग, तो आप चाहो तो यहाँ पे डाइनिंग सेटअप करा सकते हो पूल साइड में, पूल पार्टी भी अमेजिंग हो सकती है एक नंबर। यार ये दानिश भाई ने बहुत कंफ्यूज कर दिया यार, मतलब कितने टैग करवाएंगे बतानी। तो भाई लोग फिलहाल ये जो देख रहे हो वरांडा भाई लेक हमारा रेस्टोरेंट है, उसमें हम लोग ये पी रहे हैं शरबत, कुछ क्या नाम है इसका भाई बता दो, नाम बता दो यार इसका, वाटरमेलन। अच्छा वाटरमेलन है, वाटर। तो भाई लोग ये है और अमेजिंग व्यू के साथ। अंकित भाई बताओ पहले कैसा है? टेस्टी है, वाटरमेलन शरबत ना। भैया ये क्या चीज है? ग्रिल्ड कॉटेज। वाह आज तो हमने सब खा दिया यहाँ का। एक्चुअली यहाँ पे आज किचन का इनॉग्रेशन है और हम लोगों ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया हुआ है। अंकित भाई कैसा लगा फिर खाना? टेस्टी है, बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। और कैटरीना जी? कैटरीना करीना, ओके करीना जी कैसा लगा आपको खाना? नाइस ना। भाई लोग बात ऐसी है कि अभी खाना वाना खा के पेट हो गया डम एकदम फुल,
और अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा गर्मी है तो अभी स्विमिंग पूल में उतरते हैं, थोड़ा मस्ती मजा करते हैं, उसके बाद शाम को निकलेंगे वॉक के लिए। यहाँ पे हमारा प्लान है शाम को आज घाट वगैरह घूमने के लिए। सो गाइस पूल में घुसने के लिए हो गया हूँ मैं रेडी। पूल में एंजॉय करने के बाद अभी मैं आ गया हूँ वापस और शावर लेके मैं रेडी हो गया हूँ। पीछे अभी इवेंट है जहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया हुआ है, तो उनसे मीटअप है। हाय गाइस, सो गाइस ये सारे लोग आ गए हैं, अभी कुछ यहाँ पे मीटअप वीटअप है प्लान किया हुआ है। लेट्स सी, हमें भी कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। कुछ सरप्राइज है तगड़ा वाला, बट नो डाउट व्यू अच्छा है यहाँ से। मुस्टैश फॉर द फर्स्ट टाइम हैज ट्राइड इट्स हैंड ऑन क्रिएटिंग इट्स ओन बेकरी। तो इस टेबल पे आप ये जो भी चीजें देख रहे हैं, ये ग्राउंड अप हमारी बेकरी से बना है। वाओ, ये आवर ओन बेकरी, वी डोंट यूज एनी प्रीमिक्सेस। दानिश भाई ये क्या है? बनाना ब्रेड। आज फूड ब्लॉगर भी बन गया हूँ मैं। ये देखो भाई लोग सारे ब्लॉगर्स लगे हुए हैं एकदम, इन्फ्लुएंसर सारे ऐसे ऐसा होता है। देखो खाना बेचारा ठंडा हो रहा है, लोग लगे पड़े एकदम। We will be visiting Amrai Ghat first. After that, we will do some market hopping, hai na? And we will also visit Jagdish Temple. And evening hote hote, hum log jayenge Gangor Ghat pe. Wow. Very nice. And jo hamara aaj ka dinner ka program hai, that's in Mustache Hostel. आज भैया सेलिब्रिटी बन गए, सारे के सारे क्रिएटर्स अपने अपने कैमरे और अपने गियर्स रेडी करके फुल चार्ज में लगा के सनग्लासेस ऑन करके निकल गए, तो बढ़िया कंटेंट आने वाला है। और भाई हेलो, क्या नाम है आपका? चिराग राठौर। चिराग भाई हैं, क्या हैंडल क्या है? चिराग राठौर, बस चिराग में डबल ए। डबल बस, सिंपल है। और ये भाई आज बढ़िया शूट करने वाले, हेल्प करने वाले हमें। तो भाई लोग पहुँच गए हम घनघोर घाट ना, अमरकुंड है ये तो, अमरकुंड भाई साहब। यहाँ पे अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है। वाओ नाइस यार, मैंने बनाई थी। अच्छा, अरे दानिश भाई ने बनाई है? ओ भाई साहब तगड़ा। सो गाइस यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करके अब हम अमरे घाट जा रहे हैं मीट वैशाली। इसका भी YouTube चैनल है वैशाली। हाँ, फ्री का प्रमोशन चल रहा है, देख लो। ये भी कंटेंट क्रिएटर है, ट्रैवलिंग वगैरह की वीडियोस डालती है, आप जाके देख लेना जरूर। श्योर। सो कैसा लगा उदयपुर की रात? फर्स्ट टाइम तुम्हारा है ना? देखो अभी तो बहुत हो चुका टाइम, सो आई विल टेल यू टुमारो, आस्क मी टुमारो। ठीक है, डन डन डन। तो अभी चलते हैं फटाफट सनसेट देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। सो मतलब आप उदयपुर या जयपुर किसी भी साइड आओगे तो आपको इस तरह से ही सारे रिजॉर्ट्स होटल्स वगैरह मिलेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ना गलियाँ बड़ी छोटी छोटी हैं, तो अभी यहाँ से जो अमराई घाट हम जा रहे हैं उसका रास्ता यहाँ से आता है गली से, ऐसे ऐसे करके पैदल पैदल, मतलब गाड़ी नहीं घुस सकती है। गाइस जो अमराई घाट है यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री का चार्ज है 20 रुपीज़ पर हेड, विच इज़ फाइन, बट इट लुक्स वेरी क्लीन, नीट एंड क्लीन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ से ओ माय गॉड अमेजिंग व्यू आ रहा है आपको, महल का से दिखाता हूँ, जो सिटी पैलेस है ना वहाँ से उसका बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है, देखो। तो अभी फिलहाल हमने यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह वीडियोग्राफी वगैरह सब कर ली है। अगर आपको फोटोज वगैरह देखना है, रील्स वगैरह देखनी है, तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, आईडी यहाँ पर लिंक हो रही होगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस घाट के पास सारी आपको सुवीरियर की दुकानें भी मिल जाएंगी, तो अगर आपको कुछ सामान वामान लेना है तो राजस्थानी वाला यहाँ से ले सकते हैं। सो गाइस ये है घनघोर घाट और यहाँ पे घनघोर भीड़ लगी हुई है, अभी शाम के टाइम में लोग आरती वगैरह कर रहे हैं। तगड़ी भीड़ है।
और फाइनली हम लोग गंगोर घाट पे आए हैं। रात के बज रहे हैं 12, बहुत लेट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये नई प्रॉपर्टी सामने है, इसको मैं लीज पे ले रहा हूँ अब, बाकी आप लोग आ सकते हो। खरीद नहीं सकता हूँ, थोड़ा बजट के ज्यादा जो है और बजट पूरा स्टाफ आप मेरा ले सकते हो, पूरा प्रमोशन के लिए मेरे को बुला लेना, ज्यादा पैसे चार्ज ही करूंगा इस बार। ओ वाओ नाइस यार। तो भाई लोग हम लोग पहुंच गए मॉन्स्टर्स हॉस्टल, तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा हॉस्टल, आपको मैं दिखा देता हूँ। हाय शैडो। हेलो। गुस्सा है लग रहा, काटे कर रही। हेलो। अभी नाराज है, बात नहीं कर रहा। सो गाइस ये है हॉस्टल। भैया आपका नाम क्या है? थैंक यू। अरे 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 कैसे कैसे ये है। सो गाइस ये हॉस्टल का कॉमन एरिया है, यहाँ पे आप आके गेम्स वगैरह खेल सकते हो और थोड़ा स्टडी वगैरह कर सकते हो, तो इट्स गुड। थोड़ा क्वाइट प्लेस है, गुड फॉर रीडिंग एंड ऑल। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ, रूम की तरफ। सो गाइस ये भी सिटिंग एरिया है, दैट्स आल्सो नाइस। भाई साहब यहाँ कैसीनो बन गया मस्त है, इसकी छत में कॉइन खरीदने के लिए संपर्क करें।